आदाब, सत श्री अकाल एंड फाइनली झूले झूले। सो दोस्तों, मैं आई हूँ, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। यस, दिस इज द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ मैनी पीपल। सो फाइनली आई एम स्टैंडिंग हियर इन द एयरपोर्ट ऑफ लेह। तो अब मैं आपको ट्रिप करवाने वाली हूँ लेह लद्दाख। हेलो दोस्तों, झूले झूले। सो फाइनली दोस्तों, लेह लद्दाख की सुंदर वादियों की सीरीज जो है वो शुरू हो गई है और आज मैं पहली वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ। आज फर्स्ट डे है, अर्ली मॉर्निंग में ही हम लेह एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन क्योंकि पहले दिन एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कुछ ही घंटों में आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है, देखना मत भूलिएगा। तो आज जो है दिन भर रेस्ट करने वाले हैं रूम में और शाम को ऑलमोस्ट 3 से 3:30 बजे लोकल में ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं लेह लद्दाख के वादियों में। तो दोस्तों, हम जो सबसे पहली जगह जा रहे हैं वो है लेह पैलेस। ये ऑलमोस्ट लेह एयरपोर्ट से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में और जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। इस पैलेस का पर पर्सन का चार्जेस 25 रुपीज़ है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। मतलब ये वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर रखा गया, संरक्षित किया गया क्षेत्र है। लेह पैलेस है, प्राचीन समय पर जो राजा महाराजा होते थे उनका पैलेस है। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा इसमें कमरे हैं और काफी कमरे बंद भी हैं, काफी खुले हुए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में है। जो इस पैलेस में देखने लायक बात वो है, ये है कि दोस्तों, ये 9 मंजिले की इमारत है, 9 मंजिले का पैलेस है। और इस पूरे पैलेस में जो देखने की सबसे इम्पॉर्टेंट बातें वो ये हैं, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इन 9 स्टोरी में से इन सब जगह को बेसिकली कवर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट फ्लोर में ही आप देखेंगे जो सबसे पहला देखने लायक जगह है वो है लेह पैलेस गैलरी, जिसमें आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल ग्लोरी इस पैलेस की दिखाई गई है बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स के थ्रू। इसका जो इतिहास है, इसकी जो ग्लोरी से, इसकी प्रसिद्धि से रिलेटेड चित्र हैं बहुत सारे इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। सेकेंड ही फ्लोर में आप देखेंगे लद्दाख गैलरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वापस से लद्दाख से रिलेटेड हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ द ASI जो है वो बताया गया है। साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ वेरियस साइट्स जो हैं उसके बारे में जानकारी है, मतलब बहुत अच्छे से डिफरेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो देखने लायक जगह है यहाँ पर वो है ऑडियो विजुअल हॉल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल हॉल है जिसमें बहुत ही सुंदर वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है हिस्ट्री ऑफ दिस एंशियंट पैलेस। इस पैलेस से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है और आप आसानी से बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है होली श्राइन। यस दोस्तों, जिसे चौथ कांगा कहा जाता है, जिसका मतलब है पर्सनल टेम्पल ऑफ द रिलीजियस पैलेस ऑफ द प्रेजेंट किंग ऑफ एंशियंट पैलेस। अभी जो प्रेजेंट किंग है, जो उनकी परंपरा चली, उनका खुद का ये पर्सनल मंदिर है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे देवी देवताएं जो बुद्धिस्ट डिटी से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, उनकी आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो सबसे लास्ट फ्लोर है 9th फ्लोर के बाद की, जो आप छत देखेंगे वहां पर खड़े होके देखिए, आहा, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही हूँ, इतना सुंदर भव्य लेह का दृश्य, इतनी ठंडी शीतल हवाएं और इतना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है ना कि आप अपने स्मृतियों में जिंदगी भर के लिए उसे कैद कर लेंगे। तो वो देखने लायक है और अविस्मरणीय है।
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस चैंटिंग को सुनते ही दोस्तों जो मन में सुकून मिलता है ना, वैसा ही सेम सुकून लेह पैलेस से जब हम शांति स्तूपा की ओर अग्रसर हुए तो यही सेम फीलिंग हमारे मन में आई। लेह पैलेस से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी में है शांति स्तूपा और लेह एयरपोर्ट से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में है सफेद रंग से बना हुआ बुद्धिस्ट ये शांति स्तूपा। सच में शांतिमय सुकून देता है। ऑलमोस्ट इस स्तूपा की स्थापना 1991 में कंप्लीट हुई है, जो कि जापानीज और लद्दाखी भिक्षुक ग्योमग्यो नकामुरा और कुशोक बाकुला के सुपरविजन में बनाया गया ये स्तूपा है। दिस स्तूपा बेसिकली प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड टू कमेमोरेट 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म। चारों तरफ से दोस्तों माउंटेन से सराउंडेड ऑलमोस्ट 3600 मीटर की ऊंचाई में स्थित इस स्तूपा के दर्शन के लिए पर पर्सन 30 रुपीज चार्जेस हैं। फ्रेंड्स, ये ले एयरपोर्ट से सबसे नियरेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप फर्स्ट डे जो है यहाँ पर अगर घूम सकते हो, और इसका नाम है शांति स्तूपा, जो बेसिकली 1985 में स्टैब्लिश किया गया है और ऑलमोस्ट मोर देन 11,000 फीट से इसकी ऊंचाई है। और आप देखिए इसके चारों तरफ इतनी हसीन वादियों से ये पूरा ढका हुआ परिवेश है। चारों तरफ आप देखेंगे बर्फ से ढकी हुई वादियाँ, और यहाँ पर आकर बेसिकली यू विल फील द पीस सेरेनिटी एंड यू विल डेफिनेटली फील द पीस ऑफ माइंड। दोस्तों इस प्रमाइसेस में बेसिकली एक मंदिर है, मेडिटेशन हॉल है, कैफेटेरिया है अलोंग विद शांति स्तूपा। जो है शाम के 7:30 बज चुके हैं, और यहाँ पर अभी यहाँ का जो ले का बहुत फेमस सूप है थुपका जिसे कहते हैं, वो पीने के लिए हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। और आसपास जहाँ पे हमने स्टे लिया है उसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब लोकल यहाँ की जो चीज़ें फेमस हैं वो ये मिलती हैं। दोस्तों अगर आप ले घूमने के लिए आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको चाइनीज मोमोज ये तो बहुत कॉमन रेसिपी, लेकिन ये जो सूप है यहाँ का वो स्पेशल है, थुप्पा इसे कहते हैं, और ये जरूर ट्राई करिएगा। दिस इज रियली अमेजिंग एंड हैविंग अ ग्रेट टेम्पटिंग टेम्पटेशन। तो दोस्तों आज का लेह का पहला दिन यही समाप्त होता है। आई होप आपको भी मेरे साथ घूमकर बहुत मज़ा आया होगा। जल्दी मिलते हैं हम अगले दिन के सफ़र में। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शब्बा खैर। Get over here.